नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। हिमाचल सरकार ने कहा कि आउटसोर्सिंग संविदा तथा ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो 31 मार्च 2020 तक। इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह न्यूज़ दोस्तों हिमाचल सरकार की है, हो सकता है यूपी में और अन्य राज्यों में भी लागू हो जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये अमर उजाला की न्यूज है, हिमाचल कैबिनेट बैठक, हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पद भरने को भी मंजूरी। जी आप जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों, देखिए कैबिनेट की बैठक चल रही है। कोरोना संकट के बीच हिमाचल सरकार के हजारों कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया गया। 31 मार्च 32 सितंबर को 3 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मियों को नियमित होंगे। इन्हीं तिथियों में 5 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी एवं कंटीजेंस पेड कर्मचारी भी नियमित किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में लिया गया। कैबिनेट बैठक के प्रदेश सचिवालय में हुई बैठक में लिए गए निर्णय, सीएम और सभी मंत्री मास्क पहनकर आए थे। कई घंटे चली बैठक के दौरान सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते, टोपी और शाल ओढ़ने की रस्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैठक में कोरोना वायरस के एग्जिट प्लान को अब 20 अप्रैल से लागू करने पर चर्चा हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में बने स्टाफ फोर्स को इसे बैठ करने के निर्देश जारी किए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वायरस के नियंत्रण के लिए एक बेहतरीन प्रबंधन का धन्यवाद किया और लॉकडाउन 2 का प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पालन करने की बात कही गई। आपदा अधिनियम को भी कैबिनेट की पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे में 13 क्लर्कों के पद भरने की स्वीकृति दी गई। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहती हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।